मोटो के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। आज हम बात करने वाले हैं मोटो जी सिक्स प्लस के बारे में। गाइज 15,000 रुपए प्राइस रेंज में मोटो जी फाइव एस प्लस मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिवाइस था 2017 का, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। मुझे ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। इट्स अ रियली स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव डिवाइस। लेनोवो एंड्रॉयड 8 ओरियो अपडेट कब देने वाला है मोटो जी फाइव एस प्लस के लिए, शायद ये लेनोवो को भी पता नहीं। G5s Plus वैसे तो एक सॉलिड डिवाइस है, बट 2018 के लेटेस्ट ट्रेंड में थोड़ा पीछे रह गया। जी हाँ, मैं फुल व्यू डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। गाइज आज के इस वीडियो में हम G6 Plus के बारे में बात करने वाले हैं, और G6 Plus में हमें क्या नया देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार i4 अनबॉक्स चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त इमरान एंड यू आर वाचिंग आई फोर अनबॉक्स। गाइस मोटो जी फाइव एस प्लस है 5.5 इंच का 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फुल HD डिवाइस। बेजल्स काफी थिक है, बट मोटो जी सिक्स प्लस में हमें देखने को मिलेगा 5.5 इंच का नहीं बल्कि 6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, यानी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। कंपेयर टू G5s प्लस ये टॉल दिख रहा है एंड बेजल्स भी थिन है, काफ़ी पतले हैं, जिन्हें मोटो का फ्रंट अगली लगता था। गाइज उनके लिए ये एक ट्रीट होगा। मोटो जी सिक्स प्लस में हमें 5 कलर्स देखने को मिल सकते हैं। अब इंडिया में ये सारे कलर्स अवेलेबल होंगे या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। वैसे G5s प्लस में हमें 2 चॉइसेस मिलते थे, एक गोल्ड का और दूसरा लूना ग्रे का, बट यहाँ हमें G6 प्लस में 5 कलर्स मिलेंगे, सिल्वर, गोल्ड, वाइट, ब्लू एंड सियान। G5s प्लस में हम ओरियो का वेट करते करते थक गए, बल्कि पक गए एक्चुअली। नॉट श्योर कि ये कब मिलने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू र्यूमर्ड स्पेक्स मोटो जी सीरीज यानी G6, G6 प्ले एंड G6 प्लस में हमें ओरियो मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। गाइज अनलाइक G5s प्लस, G6 प्लस में हमें मिलने वाला है 3 ऑप्शंस, 3 GB, 4 GB एंड 6 GB रैम का ऑप्शन। एंड स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 2 ऑप्शंस, 32 GB एंड 64 GB का। फ्रेंड्स G5s प्लस में यूज़ किया गया था स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट, बट G6 प्लस में हमें देखने को मिल सकता है अपग्रेडेड वर्जन स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर। कैमरा सेटअप की बात करें तो G6 प्लस में डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का, एंड फ्रंट 16 मेगापिक्सल का। यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है हमें, क्योंकि मोटो G5s प्लस में हमें मिलता है रियर कैमरा डुअल 13 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का। तो गाइज यहाँ पे फ्रंट हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा एंड रियर 12+5 मेगापिक्सल का, तो यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि G6s प्लस में शायद ये अपग्रेड कर दिया जाए। गाइज स्पेक्स पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता, फाइनल रिजल्ट बहुत मैटर करता है। बैटरी में अपग्रेड हमें देखने को मिल सकता है, G5s प्लस में हमें 3000 mAh देखने को मिला था, और यहाँ 6 इंच के डिस्प्ले के साथ हमें बैटरी कैपेसिटी मिलने वाला है 3200 mAh। गाइस प्रोडक्ट्स का अनाउंसमेंट बहुत जल्द शायद हमें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में देखने को मिल सकता है, या फिर मोटो वेट भी करवा सकता है, क्योंकि मोटो को वेट करवाने में बहुत मज़ा आता है। गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। एंड गाइज देखते रहिए आई फोर अनबॉक्स।